देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक और सेंटर में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। सिंगल रूम के लिए एक बोर्ड बनाने वाला हूँ। उसमें बोर्ड लगा के मैं एक उसमें ये बोर्ड में एक ये जो रेगुलेटर लगाने वाला फ़ैन के लिए, और इसमें मैं एक 5 पिन सर्किट लगाने वाला हूँ, प्लस इंडिकेटर भी लगाने वाला हूँ इसमें। और इसमें मैं 3 स्विच यूज करने वाला हूँ। ऊपर 2 लाइट रहेगा, एक ये जो फैन को ऑपरेट करेगा, ये जो अपना 5 पिन जो सर्किट है उसमें ऑलरेडी मेरा इसमें स्विच फिटिंग है। ये स्विच ये वर्क कर गया इसको। और इसमें मैं ये आपको एक इंडिकेटर ये जो लाइट है ये भी लगा के दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट मैं इसको बोर्ड को फिटिंग करके चालू करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, जो नया है उसको कहीं स्किप मत करिएगा, आराम से इसको देखिएगा। आपको मैं पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज देखिए। देखिए हम लोग का बोर्ड फिटिंग हो गया है। ये स्विच से एक फैन ऑपरेट होएगा, ये स्विच से 5 पिन सर्किट ऑपरेट होएगा, ये 2 स्विच है इससे 2 लाइट ऑपरेट होएगा। देखिए मैं इसको फटाफट आप लोग को वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपके लिए वायरिंग पहले मेरा सबसे काट के रखा हूँ। देखिए इसका जो लूपिंग है, इसका लूपिंग जो है ये नीचे का साइड में फेज आएगा बोर्ड का। मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। एक सिंगल रूम के लिए है, एक लाइट 2 लाइट, एक फैन और एक 5 पिन सर्किट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करिएगा, ये कोई भी ढीला मत छोड़िएगा, ये सब चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, दोबारा चेक करिएगा, कोई चीज़ को ढीला नहीं छोड़ना है। ये देखिए ये अपना नीचे का 3 स्विच का फेस का कनेक्शन मैं बोर्ड बनाया हूँ। ये 5 पिन के लिए इसी से मैं दिया हूँ, यहीं से ये ऑपरेट करेगा, ये रहेगा। चलिए ये 5 पिन के नीचे भी दे सकते हैं, इससे ऊपर भी दे सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। देखिए नीचे का हो गया है, ये इससे फेज यहाँ दीजिए कुछ ऐसा है नहीं, ये कहीं से भी ये ऑपरेट तीनों में चारों में फेज का लाइन या इससे ऑपरेट होएगा। और ये फैन का है, जो फैन का आप 2 में कोई भी एक दे सकते हैं, ऐसा कहे नहीं कि आप कोई भी एक दे सकते। चलिए मैं ये दे देता हूँ फटाफट।
चलिए ये हो गया। ये देखिए ये इंडिकेटर है, जब हम चालू करेंगे तभी ये अपने को पता चलेगा कि लाइन है नहीं है। ये देखिए इसके लिए ऐसे ये स्विच जब ऑन करेंगे तो 5 पिन ऑन करेंगे तभी ये इंडिकेटर शो करेगा आपको, हाँ इसमें लाइन है बोल के आपको पता चलेगा। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये 5 पिन सर्किट के लिए ऑलरेडी बनाया हूँ। ये देखिए कभी भी फेस दीजिएगा हर समय राइट का तरफ में रहेगा फेस का लाइन, न्यूट्रल लेफ्ट का तरफ में। देखिए आपको गौर से देखिए, ये देखिए ये इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए या लिखा भी मिलेगा आपको, और ये इसमें इस साइड में न्यूट्रल लिखा रहेगा, वो हिसाब से आप दीजिएगा। देखिए ऑलरेडी ये मेरा हो गया है। अभी देखिए ये दो स्विच से हम लोग लाइट ऑपरेट करेंगे। इससे लाइट ऑपरेट करेंगे दो स्विच से। मैं आपको पूरा टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ ये लाइट का, फैन का, 5 पिन सर्किट का। देखिए ये सब के लिए एक न्यूट्रल भी लगता है, न्यूट्रल के लिए देखिए एक वायर मैंने पहले से तैयार किया हूँ। ये न्यूट्रल ये जो 5 पिन सर्किट में रहेगा, और ये न्यूट्रल एक ही न्यूट्रल से पूरा सब बोर्ड रूम का लूपिंग रहेगा। ये लूपिंग न्यूट्रल एक ही न्यूट्रल रहेगा, ये लूपिंग में ही काम होता है न्यूट्रल का, फेज ही अलग अलग रहेगा, सब न्यूट्रल एक ही रहेगा, वो आप अपना हिसाब से लूपिंग कर सकते हैं। अभी यह सबका एक ही न्यूट्रल से काम करने वाला हूँ लूपिंग में। देखिए हम लोग का लाइन कंप्लीट हो गया है बोर्ड वायरिंग। अभी इसमें मैं सप्लाई देके टेस्टिंग करके आप लोग को बताने वाला हूँ। ये देखिए इसके लिए मैं एक डीप ब्रेकर भी बनाया हूँ इससे। अभी इसमें देखिए बोर्ड में हम लोग का बाहर से मीटर से 2 लाइन आएगा, एक फेस का आएगा, एक न्यूट्रल का आएगा, एक अर्थिंग का। मैंने इसको अर्थिंग अभी नहीं लगाया हूँ, तो आप अर्थिंग जरूर लगाए। इसका अर्थिंग 5 पिन सॉकेट रहेगा तभी इसके लिए अर्थिंग का आएगा, ऐसे लाइट के लिए नहीं आएगा। अभी इसको न्यूट्रल में इसको ये 5 पिन सॉकेट में देने वाला हूँ, इसी का साथ में मैं लूपिंग करके न्यूट्रल देने वाला हूँ। चलिए फटाफट करते चलिए, छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। आप कभी भी काम करिएगा वायर का कोटिंग में करिएगा तो अच्छा रहेगा।
न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज़ करिएगा, और ऐसा तो वो है नहीं, आप कर सकते किंतु फिर भी आप कोटिंग में करिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, समझने में आसान रहेगा। आप वो आप करने के बाद कोई भी दूसरा करेगा तो उसको भी समझने में आसान रहेगा। चलिए इंडिकेटर के लिए भी न्यूट्रल ऐसे दे देते हैं हम लोग। ये देखिए इसका न्यूट्रल ए हो गया, और ये हम लोग ये जो एक न्यूट्रल है ये हम लोग को सब में काम करेगा, ये फैन के लिए भी और दो लाइट के लिए भी। इसी से ऊपर से लूपिंग होएगा, अपना लाइन के हिसाब से नज़दीक के हिसाब से वैसे लूपिंग करते लेके जाइएगा। मैं ऐसे अभी ये देखिए मैंने फेज को इधर दे दिया हूँ, ऊपर वाला बोर्ड का स्विच का नीचे में ये जो फेज है ये सबको पास करेगा। देखिए ये तीनों स्विच को, इसको भी देगा, इसको भी, इसको भी, और ये देखिए फाइव इंच सर्किट को भी यहाँ से होते हुए इसमें आएगा। अभी मैं आप लोगों को चालू करके दिखाने वाला हूँ। चलिए एक बार मैं इसको पूरा चालू करके दिखाता हूँ। अपना बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया है, ये देखिए बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया अपना, और चलिए मैं लाइन देखे देखता हूँ। अभी देखिए अपना डीपी स्विच में लाइन आ गया है। अभी देखिए ये 5 इंच में आया है लाइन, इसका मतलब हम लोग को अभी ये देखिए फेज आ गया है। ये देखिए चलिए दोस्त मैं इसको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए ये अपना डीपी स्विच में लाइन आ गया है। अभी हम लोग 5 इंच सर्किट, ये देखिए अपना इंडिकेटर आ गया, ये देखिए आप देख रहे हैं आपको, ये मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये जल गया। अभी ऐसे ही मैं इसको आपको मैं सब फैन का भी दिखाने वाला हूँ। आप थोड़ा कभी भी काम करिए इलेक्ट्रिक का वन मेन लाइन ऑफ करके करिएगा। ये न्यूट्रल जो है न्यूट्रल सब में एक ही से ऑपरेट होएगा। न्यूट्रल का जो लाइन है चलिए मैं फैन का करता हूँ। देखिए इससे फैन होएगा, देखिए ये ऑफ हो गया, ये देखिए ये है, ये देखिए ये ऑफ हो गया, ये फैन ऑन हो गया, ये फैन का है। ऐसे देखिए अब ये लाइट का, ये देखिए लाइट का सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट। देखिए हम लोग का एक वायरिंग कंप्लीट हो गया है एक रूम का। इससे एक दो लाइट जलेगा, एक फैन चलेगा, एक अपना ये रहेगा आपका 5 इंच सर्किट चार्जिंग वार्जिंग जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक रूम का एक बोर्ड कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्त ऐसे ही मैं दूसरा वीडियो भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। एक रूम का सिंगल रूम का वायरिंग पूरा कैसे करते मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलते, थैंक यू, वेलकम, शेयर करिए, लाइक करिए, ओके दोस्त।